हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ डिजाइनर निशा आप मिर्जा, और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिजाइनिंग कोर्स, जिसमें हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सरफेस ऑर्नामेंटेशन। और हम सीख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी, जिसमें हम सीख चुके हैं अभी तक सैटन स्टिच, चेन स्टिच, लॉन्ग स्टिच एंड टेसल्स बनाना। और आज हम सीखेंगे लेजी डेजी वर्क विद मिरर, मिरर वर्क विद लेजी डेजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अट्रैक्टिव वर्क लगता है, देखने में बहुत ही प्रीटी वर्क लगता है, ड्रेस बहुत अच्छे से एम्फसाइज होती है, बहुत इजी है, बहुत ही, अगर आप पूरा नेकलाइन तैयार करेंगे तो आई थिंक इट्स टेक ओनली हाफ एन आवर। अब कल हमने कुछ देखिए इस तरीके से, कल मैंने कितना इजी ड्रॉ किया था, इसे कहते हैं लेजी डेजी। लेजी डेजी इतना इजी है, उसको समझना इतना, बनाना इतना आसान है, और उसको ड्रॉ करना भी उतना इजी। और ये कैसा दिखता है, बट कुछ बच्चों ने इतना इजी वे होता है इसको भी सही से ड्रॉ नहीं किया, यानी कॉपी भी सही से नहीं कर पाए। सिर्फ दो ही बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, श्रेया जैन एंड श्वेता। उन्होंने, उनको शायद आता होगा कि और आफ्टर लुक लेजी डेजी स्टिच करने के बाद वो कैसा दिखता है, उन्होंने पहले ही उसको ड्रॉ कर दिया। कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा उसमें, मुझे ये लग रहा था वो सैटन स्टिच करने वाले हैं, लेजी डेजी मतलब लेजी डेजी उसमें लीफ होती हैं, उसमें फोर पेटल्स, उसको फोर पार्ट में डिवाइड करो और फिर उसको सिक्स पार्ट में, एट पार्ट में डिवाइड करो विद एट पेटल्स, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। अब उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों ने तो 12 पेटल्स मुझे सेंड कर दिए, कुछ लोगों ने लॉन्ग स्टिच भी सही से नहीं ली, एकदम कच्चा टांका भी सही से नहीं कर पाए। अब फैशन डिजाइनिंग सीखना चाह रहे हैं या सरफेस ऑर्नामेंटेशन की क्लास ले रहे हैं, कच्चा टांका भी नहीं प्रॉपर कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, बताइए आप मुझे। कॉपी करना भी इज नॉट अ ईजी टास्क। फिर आप कहते हैं मैम हमें तो इतने आइडियाज हैं, इतने आइडियाज हैं, तो प्लीज़ वो मुझे पता है आइडियाज हैं, बट जो जेन्युइन जो तरीका है मैं उसको प्रोसेस में ला रही हूँ, बेसिक क्लियर करा रही हूँ। मैंने आपको कल भी कहा हर चीज़ के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करिए। तो ये सरफेस ऑर्नामेंटेशन में जो एम्ब्रॉयडरी आप कर रहे हैं ना, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, बनाते हैं लेजी डेजी। ओके गाइज, ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर यू शेप लिया है, और ये मैंने सारे मार्क किए हैं पेंसिल से। लेजी डेजी का स्टिच लेना पड़ता है, मैंने थोड़ा थ्रेड मोटा लिया है, और इसको ये देखिए। ओके गाइस, देखिए मैंने इसके लिए 6 फोल्ड लिए हैं थ्रेड को, और ये कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा दूं। ये सबसे पहले सेंटर से इसको लेना है, लॉन्ग स्टिच लेते हुए पैटल्स को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। ये देखिए इस तरीके से लेनी है, पैटल्स दिखे कि ये लेजी डेजी का टांका है। वापस फिर वही सेंटर पे आएंगे, यहाँ से निडल को निकालेंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमें ये फ्लावर हमारा मिल जाएगा, वापस इसको लॉक करेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये देखिए मैंने हाफ तैयार किया है आप लोगों के लिए, आपको पूरा तैयार करना। ये मिरर देख रहे हैं आप,
ये मिरर यहाँ पे प्लेस कर देना है। तरीके से आपका हाफ वाला मैंने तैयार कर दिया है। ओके गाइस, तो देखिए हमने इस तरीके से आधा की तैयार किया है, हाफ तैयार किया है क्योंकि टाइम की कमी थी। आपको पूरा इस तरीके से तैयार करना है, लेजी डेजी विद मिरर, मिरर लेना है इसमें। अगर आप चाहें, मैंने इसको ब्लू से किया, इस पर टांका भी दे सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, इस तरीके से आप इसे क्रॉस कर सकते हैं जिससे परमानेंटली आपके साथ ये इसमें रहेगा। इसमें आप बहुत सारी एक्टिविटी अब क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, अब आपको कैसे इसको क्या करना है ये आपके ऊपर है। बट मुझे जो अपना असाइनमेंट चाहिए वो ऐसा ही चाहिए। अब आप घर पे क्या करेंगे वो आपका है, ठीक है। बट ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इसी का असाइनमेंट आप बना के दीजिएगा। अगर मिरर इसमें है तो यहाँ पे लगा दीजिएगा, जिसके पास मिरर नहीं मिरर मत लगाइएगा, ओके। तो इस तरीके से पैटर्न्स बननी है, मिनिमम 8-12 एक सीक्वेंस रखिए, एक अलग से मतलब इक्वलिटी रखिए। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलते हैं, फिर दस रहिए।